तो गाइस इस वीडियो में मैं आज आपको लॉन्ग रेंज में ऑटो शूट मारने का एकदम नया ट्रिक बताऊंगा। जैसे कि गाइस अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, मैं अपने फायर वाले बटन को यूज़ करे बिना कैसे लॉन्ग रेंज में ऑटो शूट मार ले रहा हूँ। आपको गाइस मैं ये पूरा का पूरा ट्रिक इस वीडियो में बताने वाला हूँ। छोटा सा वीडियो बनाऊंगा 5-6 मिनट का, इसलिए गाइस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक इन अनदर क्रेजी वीडियो फॉर क्रेजी गेमर वीकेंड। मैं हूं आपका फ्रेंड क्रेजी विक्की। तो गाइस जैसा कि आज आपने स्टार्टिंग में देख ही लिया, इस वीडियो में मैं आज आपको लॉन्ग रेंज में ऑटो शॉट मारने के ऊपर एकदम नया ट्रिक बताऊंगा। एंड गाइस आई प्रॉमिस, अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हो तब गाइस आपका लॉन्ग रेंज में वैसा शॉट लगना चालू हो जाएगा जैसा मैं स्टार्टिंग में मार रहा था। बहुत ही ईजी टिप एंड ट्रिक से, इसके स्टेप गाइस बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इसलिए गाइस आपको मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना। अगर आप कोई सही पार्ट स्किप कर देते हो तब शायद आपका वैसा शॉट नहीं लगेगा। तो गाइस अगर हम सबसे पहले बात करें स्टेप नंबर फर्स्ट का, जो कि गाइस बहुत ही ज़्यादा इजी स्टेप है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने फ्री फायर गेम की सेंसिटिविटी को बढ़ाना है। चाहे वो कोई सी भी सेंसिटिविटी हो, रेड डॉट हो, 4x हो, 2x हो, जर्नल हो, जितना भी गाइस सेंसिटिविटी होता है उसको गाइस आपको ऑलवेज मैक्सिमम कर देना है, 100 कर देना है। 100 करने से होगा क्या फ्रेंड्स, जब भी आप छोटा सा भी ड्रैग मारोगे, आप अपने फायर वाले बटन को जब थोड़ा सा भी ऊपर करोगे तब आपका एम एनिमी के बॉडी से लेके हेड पे बहुत जल्दी चले जाएगा, जिससे आपका हेडशॉट पे किल मिलेगा। इसी वजह से गाइस आपको अपना सेंसिटिविटी ऑलवेज मैक्सिमम पे करके खेलना है, 100 पे करके खेलना है। एंड गाइस अगर हो सके तब आप अपने फ्री फायर गेम की सेंसिटिविटी को 100 से भी ज़्यादा बढ़ा देना। वो कैसे करते हैं, मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करा है, उस वीडियो को जाके देखो। एंड गाइस जो मैंने स्टार्टिंग में हेडशॉट मारा था वो हेडशॉट भी गाइस मैंने अपना सेंसिटिविटी को बढ़ा के ही मारा था, यानी कि मेरा पहले से सारा सेंसिटिविटी 100 तो है ही, ऊपर से मैंने DPI यूज़ करके अपना फ्री फायर गेम का सेंसिटिविटी बढ़ा रखा है, इसी वजह से ये वाला ट्रिक मेरा पॉसिबल हो पाया। तो बस पहले नंबर स्टेप में आपको क्या करना था, सिर्फ आपको अपने फ्री फायर गेम की सेंसिटिविटी बढ़ानी थी। फ्रेंड्स आपको फ्री फायर गेम की सेंसिटिविटी बढ़ाने के बाद अपने कस्टम HUD में एक छोटा सा बदलाव करना है, यही गाइस हमारा स्टेप नंबर 2 है। यानी कि गाइस स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना कस्टम HUD में एक स्मॉल चेंज करना है, जो कि गाइस आपको अपना जो लेफ्ट फायर वाला बटन है उसे ऑलवेज पे सेट कर देना है। एंड ऑलवेज पे सेट करने के बाद आपको अपना लेफ्ट फायर वाला बटन जहाँ पे कंफर्टेबल लगे वहाँ पे सेट कर देना है। जैसे अगर आप 4 फिंगर से खेलते हो जैसे मैं खेलता हूँ, तो गाइस आप उसे ऊपर सेट कर दो। अगर आप 2 फिंगर से खेलते हो तब आप रन वाले बटन के बगल में सेट कर लो, आपको जहाँ पे कंफर्टेबल लगे वहाँ पे सेट कर लो। बस यही एक छोटा सा बदलाव करना था, उसके बाद में आपको जो स्टेप बताऊँगा उन स्टेप को फॉलो करो, आपका हेडशॉट 100% लगेगा। तो गाइस अगर अब हम बात करें स्टेप नंबर 2 के बाद स्टेप नंबर 3 का, जो कि गाइस काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है लॉन्ग रेंज में ऐसे ऑटो शॉट मारने के लिए, एंड यही हमारा वो बुनियाद है जो हेडशॉट मारने में हमारी मदद करता है। जिसमें फ्रेंड आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग रेंज में ऑलवेज एक ऐसी गन चॉइस करना है जिसमें रेट ऑफ फायर की एबिलिटी होता है, यानी कि रेट ऑफ फायर सिंगल हो या फिर रेट ऑफ फायर डबल हो, आपको लॉन्ग रेंज में ऐसा गन चॉइस करना है। एग्जाम्पल के तौर पे गाइस क्यूपिड स्कार ले लो, डबल रेट ऑफ फायर ग्रोजा ले लो, या फिर एग्जामेट डबल रेट ऑफ फायर ले लो, ये सब गन गाइस हमारा लॉन्ग रेंज में ऑटो शॉट मारने के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट पड़ता है। फ्रेंड्स लॉन्ग रेंज में एक रेट ऑफ फायर वाला गन चॉइस करने के बाद उसमें आपको एक अच्छा सा अटैचमेंट लगाना है, लाइक लेवल 2 का ग्रिप लगा लो, लेवल 3 का ग्रिप लगा लो, या फिर बायपैड लगा लो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। गाइस ग्रिप लगाने से क्या होता है, हमारे लॉन्ग रेंज की एक्यूरेसी बढ़ती है। एंड गाइस जब हमारे लॉन्ग रेंज की एक्यूरेसी बढ़ेगी तब हमारा प्रोबेबिलिटी भी बढ़ेगा कि हमारा लॉन्ग रेंज में हेडशॉट लगेगा। तो गाइस इसी वजह से आपको क्या करना है, आपको लॉन्ग रेंज में एक ऐसा गन चॉइस करना है जिसका रेट ऑफ फायर सिंगल हो या फिर डबल हो, एंड उस पर एक अच्छा सा अटैचमेंट लगाना है, लाइक लेवल 2 का ग्रिप लगा लो, लेवल 3 का ग्रिप लगा लो, या फिर बायपैड लगा लो, काफ़ी बेस्ट हो जाता है। गाइस एक अच्छा सा ग्रिप के साथ साथ आपके लॉन्ग रेंज वाले गन में एक स्कोप भी लगा होना चाहिए, विदाउट स्कोप वाले गन से आप ऐसा ट्रिक यूज़ करके हेडशॉट नहीं मार पाओगे। इसी वजह से आपको ऑलवेज क्या करना है, अपने गन में एक स्कोप भी लगा के रखना है। अगर आप एग्जामेट चलाते हो तब तो आपको स्कोप की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस पर इनबिल्ट 2x होता है। अगर आप और कोई सा गन चलाते हो, लाइक स्कार चलाते हो या फिर ग्रोजा चलाते हो, तब कैसे उसमें आपको स्कोप की ज़रूरत ऑलवेज पड़ेगी। तो गाइस अगर अब हम स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4 की बात करें, जो हमारा इस वीडियो का लास्ट स्टेप है, एंड गाइस इसी स्टेप में मैं आपको हेडशॉट मारने का प्रोसेस बताऊंगा, जो कि बड़ा सिंपल है।
प्रोसेस में फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना। जैसे गाइज आप नॉर्मल ड्रैग मारते थे जब आपके लॉन्ग रेंज में कोई बंदा आता था, स्कोप खोल के मेन फायर वाले बटन को जो ऊपर करते थे, आपको भी फ्रेंड इस स्टेप में वैसा ही करना है। बट गाइज इसमें आपको क्या करना है, राइट वाले फायर वाले बटन से ड्रैग नहीं करना, अपना लेफ्ट फायर वाले बटन से ड्रैग करना है। यानी कि सपोज दैट कि आपके सामने कोई एनिमी है, तब गाइज आप उसे नॉर्मल कैसे मारोगे, अपना स्कोप खोल के राइट फायर वाला बटन ड्रैग करके मारोगे। बट गाइज ज्यादा ट्रिक में आपको क्या करना है, राइट फायर वाला बटन बिल्कुल छूना नहीं है, आपको अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट फायर वाला बटन प्रेस करना है एंड राइट हैंड से ड्रैग करना है। तो गाइज बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे कि राइट से ड्रैग मारो या फिर लेफ्ट से ड्रैग मारो, बात तो एक ही है, ड्रैग तो लग ही रहा है। बट फ्रेंड आप एक ट्रेनिंग मोड चलाना, तब आप अपने राइट फायर वाले बटन से ड्रैग करना, तब देखना कि आपका एम कितना ऊपर जाता है, एंड अपना लेफ्ट फायर वाले बटन से ड्रैग करके देखना कि आपका एम कितना ऊपर जाता है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको लेफ्ट फायर वाला बटन यूज़ करने क्यों बोला है। गाइस लेफ्ट फायर वाला बटन यूज़ करने से आपका एम बहुत ज़्यादा ऊपर चल जाता है, जिससे प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका एम एनिमी के बॉडी से लेकर हेड पर बहुत जल्दी चल जाएगा एंड आपका हेडशॉट से किल मिलेगा। आई होप मैं जो आपको समझाना चाहता था आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकता है, मैं हर बंदे का रिप्लाई करता हूँ, भले थोड़ा लेट हो जाता है पर मैं रिप्लाई हर बंदे का करता हूँ। एंड गाइस अगर इंस्टाग्राम पर जाओगे तो फॉलो भी कर देना, अभी मैंने नया इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है। गाइस यहीं तक था हमारा वीडियो, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि गाइस मैं अपने चैनल पर फ्री फायर गेम से रिलेटेड ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। एंड गाइस अगर हो सके तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे मोटिवेट करता है कि मैं फ्यूचर में आप तक ऐसे वीडियो पहुँचाते रहूँ। तो गाइस बाय बाय, लव यू, टेक केयर, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रख।